बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्पैम पर हुई कार्रवाई, ट्राई ने संस्थाओं से डीसीए में शामिल होने को कहा। रुपया एक पैसे टूटा, रुपया टूटकर 83.28 प्रति डॉलर पर। भारत की अग्रणी स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने घोषणा की कि उसने पिछले 15 महीनों में यानी 22 अप्रैल से 23 जून के बीच शहर में 68 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का निपटान किया। कंपनी ने इस क्षेत्र के नेटवर्क अस्पतालों के दावे के निपटान के लिए 52 करोड़ और गैर नेटवर्क अस्पतालों के दावों के निपटान के लिए 16 करोड़ रुपए का भुगतान किया। स्टार हेल्थ ने कैशलेस दावा निपटान में 50 करोड़ रुपए से अधिक और प्रतिपूर्ति दावा निपटान में 18 करोड़ से अधिक का भुगतान किया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को मामूली बढ़त रही। सेंसेक्स 33 अंकों की बढ़त के साथ 64,976 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 37 अंक चढ़कर 19,443 पर बंद हुआ है। कारोबारियों के मुताबिक निवेशक ब्याज दरों के बारे में संकेत लेने के लिए फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों का इंतजार कर रहे थे। बाजार को उम्मीद है कि अमेरिका में ब्याज दरें ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। अगले साल मई और जून की शुरुआत में दरों में कटौती की उम्मीद है। फिर भी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की तीखी टिप्पणियों के कारण निवेशकों के बीच दरें बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में मजबूती से बुधवार को रुपया एक पैसे टूटकर 83.28 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयरों में नरम रुख का भी रुपए पर असर पड़ा है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में सुधार से स्थानीय मुद्रा को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.25 पर खुला और 83.29 के निचले स्तर को छूने के बाद अंत में पिछले बंद भाव से एक पैसे टूटकर 83.28 पर बंद हुआ। तेल तिलहन बाजारों में सोयाबीन तिलहन और बिनोला तेल कीमतों में सुधार देखने को मिला, जबकि सरसों तिलहन के भाव में गिरावट रही है। सरसों तेल, मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन तेल और पामोलिन तेल के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। अभी तेल मिलों को सरसों की पिराई में नुकसान है, जिसकी वजह से सरसों तेल तिलहन में गिरावट है। तेल व्यापार जगत में ऐसी सुगबुगाहट है कि सरकार की ओर से जल्द ही सूरजमुखी तेल का वायदा कारोबार खोलने की तैयारी है। अगर वायदा कारोबार में सटोरियों ने भाव नीचे चला दिए तो देशी तेल तिलहन सहित बाजार की स्थिति और खराब हो सकती है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को SMS या वॉइस कॉल के जरिए ग्राहकों को वाणिज्यिक संदेश भेजने वाले बैंकों और अन्य संस्थाओं से कहा कि वे DCA प्रणाली में शामिल होने के लिए तत्काल कदम उठाएं। दूरसंचार नियामक ने स्पैम और परेशान करने वाले संदेशों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया है। डिजिटल सहमति अधिग्रहण DCA प्रणाली के पास वाणिज्यिक और प्रचार संदेशों तथा कॉलों के लिए ग्राहकों की सहमति लेने, उसे बनाए रखने और रद्द करने की सुविधा है। स्पैम और परेशान करने वाले संदेशों पर कार्रवाई के तहत ट्राई ने इस साल जून में सभी पहुंच प्रदाताओं को एक एकीकृत मंच और प्रक्रिया बनाने के लिए डिजिटल सहमति अधिग्रहण यानी DCA सुविधा तैयार करने के निर्देश दिए थे। ट्राई ने सभी प्रमुख संस्थाओं से अनुरोध किया है कि 2 जून 2023 के निर्देश में दी गई समय सीमा के अनुसार DCA प्रणाली में शामिल होने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए। इन प्रमुख संस्थानों में बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियां शामिल हैं, जो SMS या वॉइस कॉल के जरिए वाणिज्यिक संदेश भेजते हैं। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्पैम पर हुई कार्रवाई, ट्राई ने संस्थाओं से DCA में शामिल होने को कहा। रुपया एक पैसे टूटा, रुपया टूटकर 83.28 प्रति डॉलर पर। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBC News। नमस्कार।